आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। यूपी और एमपी में नाइट कर्फ्यू, दिल्ली में नए साल और क्रिसमस के जश्न पर पाबंदी। मां मातृभाषा और मातृभूमि, हैदराबाद में सीजेआई एनवी रमन्ना बोले, हमें करना चाहिए इनका सम्मान। राजीव गांधी हत्याकांड में तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने नलिनी को पैरोल दिया, मद्रास हाई कोर्ट को दी सूचना। पंचायत चुनाव में ओबीसी को प्राथमिकता देगी पटनायक सरकार, बीजेपी ने बनाया टोकनिज्म। ओमिक्रॉन से 3 फरवरी तक चरम पर हो सकती है कोरोना की तीसरी लहर, आईआईटी का दावा। लखनऊ में एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र में लूट का खुलासा, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की मदद से 3 गिरफ्तार। बसपा मुखिया मायावती ने अयोध्या में जमीन खरीदने के घोटाले को बताया गंभीर मामला, बोली दखल दे सुप्रीम कोर्ट। गोरखपुर में बोले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, निषाद समाज को देंगे पर्याप्त टिकट। अयोध्या में सड़क हादसे में 3 छात्राओं की मौत, एक की हालत गंभीर, कॉलेज जाते समय हुआ हादसा। औरैया में 2 शव मिलने से सनसनी, युवक का खेत में 2 युवतियों की मिली अधजली बॉडी, दोनों के हाथ पैर बंधे मिले। बांग्लादेश में भरी हुई नाव में लगी भीषण आग, अब तक 38 शव निकलने की सूचना। जर्मनी के नौसेना प्रमुख के दावे से तिलमिलाया चीन, ड्रैगन बोला राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए विकसित कर रहे सैन्य क्षमता। पाकिस्तान सरकार बाबर और टीपू सुल्तान पर बनाएगी बायोपिक, ईरान और उज्बेकिस्तान देगा सहयोग। यूके में अभी नहीं लगेगा लॉकडाउन, स्वास्थ्य मंत्री बोले सतर्क रहें और आनंद लें। सऊदी अरब को बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में मदद कर रहा चीन, यूएस खुफिया एजेंसियों का दावा। विराट कोहली के पक्ष में उतरे संजय मांजरेकर, सौरव गांगुली पर बुरी तरह भड़के। विराट कोहली और बीसीसीआई के विवाद पर बोले रवि शास्त्री, इसे बेहतर तरीके से सुलझाया जा सकता था। ब्रायन लारा, डेल स्टेन सनराइजर्स हैदराबाद से जुड़े, मिली बड़ी जिम्मेदारी। इंडिया वर्सेस ऐसे सीरीज से पहले रवि शास्त्री का नया अवतार वायरल, बताई टीम इंडिया की सबसे बड़ी खूबी। साउथ अफ्रीका का डीन एल्गर बल्लेबाज है अगला सुपरस्टार, पूर्व क्रिकेटर अमोल मजूमदार ने कहा बचकर रहे टीम इंडिया। बड़े मियां छोटे मियां के सीक्वल में नहीं होंगे अमिताभ बच्चन गोविंदा, नए स्टार्स की जोड़ी मचाएगी धमाल। दीपिका पादुकोण ने सिद्धिविनायक में किए गणपति बप्पा के दर्शन, फिल्म 83 की सक्सेस के लिए की प्रार्थना। उज्जैन नगरी पहुंची सारा अली खान, बाबा के दरबार में जोड़े हाथ, बोली जय महाकाल। ऋतिक रोशन अपनी मां के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने पहुंचे मालदीव।
रोहमन सुष्मिता का ब्रेकअप। सुष्मिता सेन ने सोशल मीडिया पर किया ऐलान, रिश्ता बहुत पुराना हो गया था, प्यार बाकी है। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।